नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग नई लीगल अपडेट्स के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। उसी क्रम में आज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग एक नए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग पेमेंट ऑफ फी इन कैश, SC issues directions to curb capitation fee menace। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये दो जस्टिस हैं, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई, इन दोनों के द्वारा यह मामला सुना गया है। अब आइए देखते हैं कि ये मामला क्या था। उससे पहले आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जानकारी अच्छी लगे, जनहित में लगे तो उसे शेयर करिए। देखिए, इसमें कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट इन एन ऑर्डर पास्ट ऑन थर्सडे हैज़ प्रोहिबिटेड मैनेजमेंट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फ्रॉम एक्सेप्टिंग पेमेंट्स ऑफ फी इन कैश। जो कैश में कोर्स की फ़ी लेते थे, वो उसको लेने से मना कर दिया सीधे सीधे मेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये क्यों कहा गया है ये भी देखिए आगे इसमें ऑर्डर में मिलेगा आपको। दिस इज़ टू अवॉइड चार्जिंग ऑफ कैपिटेशन फी। The bench comprising Justice L. Nageswar Rao and Justice B.R. Gawai also agreed to the suggestions for setting up web portal under the aegis of Supreme Court, where in any information about the private medical colleges charging capitation fee can be furnished by the students। उन्होंने कहा कि जो कैपिटेशन फी में बहुत ज़्यादा वृद्धि है, उसको रोकने के लिए और उसमें जो मनमानापन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सही करने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन वेब पोर्टल भी बनाया जाए जिसमें इन सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए और जिसे सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में रखा जाएगा। साथ में देखिए और क्या कहा। वाइल फिक्सिंग फी, द फी फिक्सेशन कमिटी ऑफ द स्टेट्स शुड टेक इंटू अकाउंट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फी, leaving no scope for managements to charge any additional amounts in part from what has been prescribed by the fee fixation committee from time to time, the bench directed। बेंच ने यह भी कहा कि जो इन मेडिकल कॉलेजों के लिए फी फिक्सेशन कमेटी है उसके द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया जाएगा, उस शुल्क के अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज कोई अन्य शुल्क ना लें, इस बात का भी ध्यान फी फिक्सेशन कमेटी को ही रखना है कि ऐसे कोई चांस उसमें छोड़े ही ना जिसमें ऐसा वो कर सकें। देखिए इसमें और साथ साथ कहा गया है कि द कोर्ट वॉज कंसिडरिंग स्पेशल लीव पिटीशन इन विच ऑर्डर्स पास्ड बाई फी फिक्सेशन कमेटी फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर्स 2004 and 5, 2005 and 2006 and 2006 and 7 वेयर अंडर चैलेंज्ड। मतलब जो फी फिक्सेशन कमेटी थी उसका जो ऑर्डर था वर्ष 2005-6, 2006-7 का, वह चैलेंज में था जिसके लिए यह SLP थी। इसके बाद में कहा गया कि नथिंग दैट इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड डायरेक्शंस टू स्टॉप द मेनेस ऑफ कैपिटेशन फी, हार्ड रियलिटी ऑफ चार्जिंग एग्जर्बिटेंट कैपिटेशन फी वॉज वेरी मच प्रिवेलेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैपिटेशन फी ली जाती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट होती थी, प्रीवेलेंट होती थी, उसको उसके निराकरण के लिए यह कोर्ट ने कहा है। और इस मामले में सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद को कोर्ट ने एमिकस क्यूरी, मतलब कि न्याय मित्र नियुक्त किया, और जो उन्होंने कहा उसके बारे में भी कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके पहले कोर्ट ने एक चीज़ कहा कि इन स्पाइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इनएक्टिंग लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग कैपिटेशन फी एंड मेकिंग इट एन ऑफेंस, द स्टार्क रियलिटी विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड इज दैट कैपिटेशन फी बींग चार्ज फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस इज प्रीवेलेंट इवन टूडे। इसके बाद देखिए जो एमिकस क्यूरी थे उन्होंने कुछ सजेशन दिया कोर्ट को। कोर्ट को उन्होंने सजेस्ट किया कि ए वेब पोर्टल अंडर द एजीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी सेट अप वेयर इन एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज चार्जिंग कैपिटेशन फी कैन बी फर्निश्ड। इसके बारे में पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऊपर में ही। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट रखा था कि द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज
are directed to publish the details about the web portal in the English as well as vernacular newspaper at the time to admission. In addition, a pamphlet should be compulsory given to the students and their parents at the time of counseling information them about the availability of the web portal. उन्होंने ये भी कहा कि जो सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको यह निर्देशित किया जाए कि इस संदर्भ में वो नियमावली बनाएं इंग्लिश के साथ साथ उस जो जिस क्षेत्र में वो मेडिकल कॉलेज स्थित है उस वहाँ की भाषा में भी न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें निकाली जाएं एडमिशन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं और जो उनके गार्जियंस हैं बच्चों के उनको भी एक पंपलेट दिया जाए एडमिशन के संदर्भ में. तीसरी बात उन्होंने कही कि वाइल फिक्सिंग द स्केड्यूल फॉर द एडमिशन प्रोसेस द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हैव टू मेक श्योर दैट द काउंसलिंग फॉर ऑल राउंड्स इंक्लूडिंग द स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स इज कंप्लीटेड एटलीस्ट टू वीक्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रिकमेंडेड बाय द अथॉरिटी ऑफ एडमिशन इन द स्टे राउंड वैकेंसी हैव टू बी मेड पब्लिक अलोंग विद रैंक अलॉटेड टू देम इन द नीट एग्जाम. द एडमिशंस शुड बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड इन द इवेंट ऑफ एनी एडमिशन इन द कंट्रेरी सुटेबल एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. के बाद उन्होंने कहा कि वाइल फिक्सिंग फी द फी फिक्सेशन कमिटी ऑफ द स्टेट शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फी लीविंग नो स्कोप फॉर. इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा भी पूर्व में कर ही लिया है. द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग पेमेंट ऑफ फी इन कैश इन ऑर्डर टू अवॉइड चार्जिंग ऑफ कैपिटेशन फी. द स्टूडेंट्स और एनी अदर एग्रीव पर्संस आर एट liberty to report to the web portal regarding collection of fee in cash by the medical colleges. The Director General of Health, the Director General of Health Services and other concerned authorities, the state government should ensure that the All India quota and state quota rounds of considering counseling are completed strictly in accordance with the time schedule that is fixed. ये कहा है एमिकस क्यूरी ने. और अगर केस डिटेल्स की बात करें तो जो केस का शीर्षक है केस का जो नाम है वो है राष्ट्रीय शिक्षण समिति ट्रस्ट बनाम कमिटी फॉर फिक्सेशन ऑफ फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस. देखिए 2017 का मामला है सी ए 3978-3995 और 19 मई 2022 को इसका निस्तारण किया गया है जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई के द्वारा. तो यह डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का जिसे आप सभी को जानना चाहिए और यह स्ट्रिक्टली कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मनमानी तरीके से कैश में तो फी बिल्कुल ले ही नहीं सकता है और बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी उसके लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा और साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित जो भी उनकी नियमावली होगी उसके लिए स्टूडेंट्स के जो गार्जियंस होंगे उनको एक पंपलेट दिया जाएगा और उसके आधार पर उनको जानकारी दी जाएगी साथ ही साथ चीज़ें सारी चीज़ें ऑनलाइन की जाएंगी. तो ये मेडिकल कॉलेज और जितने भी प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस चल रहे हैं उनके संदर्भ में ये एक विशेष आदेश है न्यायालय का इसके संदर्भ में आपको जानना चाहिए. और अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज कोर्ट के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करता है तो आप कोर्ट में इसके लिए पिटीशन ला सकते हैं और अपना अधिकार मांग सकते हैं. धन्यवाद.